मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन पर एक्सफोलिएटिंग का काम करता है। अगर इस पे कुछ चीज़ें अगर आप फेस पर मिलाकर लगाते हो ना, स्किन जवान और टाइट होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? खूब सब अच्छे होंगे। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग का भी काम करता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत सारे फायदे भी होता है। स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाने में मदद करता है। मैं पहले एक बॉल पे आलू का रस लेती हूँ। आलू का रस में बहुत सारा स्टार्च होता है ना, जो हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को दूर करता है। इसलिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से धो के उसको कद्दूकस कर लिया और मुझे इतना सारा उसका रस मिला। इस रस को हम एक बॉल पे ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, या फिर उसमें ही आप उसमें 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी लोगे। मुल्तानी मिट्टी फेस के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अगर ज़्यादा क्वांटिटी का हो जाता है तो अगर बच भी जाए ना फैमिली में कोई हो तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी लिया है फ्रेंड्स। कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास नहीं हो तो किचन हल्दी ले लीजिएगा, पर थोड़ा सा लीजिएगा। उसके बाद मैंने आटा लिया है। जी हाँ, जो आटा आप चौपाती और रोटी खाते हो वही आटा। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने नारियल ऑयल लिया है। नारियल ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा स्किन पर ड्राइनेस कर देता है, इसीलिए थोड़ा सा नारियल ऑयल इसको ऐड करती हूँ। उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा, क्योंकि आटा ऐड किया है ना, थोड़ा सा गुठली जैसा बन जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल भी आप ऐड कर सकते हो। उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। देन आपका ये फेस पैक रेडी हो गया है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन पर सच में गजब का निखार लाता है। और पहले पहला स्टेप होता है हमारे स्किन पर अच्छे से साफ करना। ये देखिए, मैं गुलाब जल का मदद से हमारे स्किन पर जो धूल मिट्टी हो जाता है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। गुलाब जल हमारे पीएच लेवल को भी संतुलन बना के रखता है। गुलाब जल भी बहुत अच्छा स्किन पर हाइड्रेट बना कर रखता है, स्किन को मॉइस्चराइजर बना के रखता है। और जैसे छोटे छोटे हमारे स्किन पर जो झुर्रियाँ फाइलेंस पड़ता है ना, गुलाब जल भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपके पास गुलाब जल उस टाइम नहीं हो तो कच्चा मिल्क हो तो उस पर भी आप फेस को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हो। गुलाब जल वैसे भी धूल मिट्टी वैसे भी साफ करता है, पर कच्चा मिल्क भी बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। देन आपके पास जो मैंने जो फेस पैक बना के रखा है, उसको आपने मैंने फिंगर वो बहुत टाइम है फिंगर की मदद से लेती हूँ, आज ब्रश की मदद से अपने फेस पर लगा रही हूँ। पूरे फेस पर आपको इसे लगा लेनी है। ये हमारे स्किन पर एक्सेस ऑयल तो निकाल के बाहर तो फेंकता है, हमारे स्किन पर कील मुहा से ब्लैक हेड वाइट हेड की समस्या भी दूर करने में बहुत मदद करता है मुल्तानी मिट्टी। हमारे स्किन पर एक ग्लोइंग और नेचुरल स्किन जो होता है प्रोवाइड करता है। इसको आप 20 मिनट तक अपने फेस पर लगा के ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने फेस पर ओनली 20 मिनट, मुझे 20 मिनट लगा उसको सूखने में, किन पर 15 मिनट इनफ होता है। कोई भी फेस पैक आप लगाते हो, अगर सूखेगा ही नहीं तो फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो उसको मैंने पूरा सूखने दिया है, तो मुझे 20 मिनट लगा उसको सूखने में। ये देखिए, जब सूख गया, मैंने सेमी ड्राई जैसे होने लगा है, उसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ स्किन कितना अच्छी तरीके से ग्लोइंग आता है। वैसे भी मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल तरीका होता है, जो खुद ही एक नेचुरल है मुल्तानी मिट्टी, इसीलिए ये आपको नेचुरल स्किन प्रोवाइड करेगा, स्किन को हेल्दी बना कर रखेगा और स्किन को टाइट बना कर रखेगा। ये देखिए स्किन कितना ज़्यादा ग्लो नज़र आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है जो आलू का रस, वो भी बहुत अच्छा काम करता है स्किन पर। और उसके बाद जो भी फेस पैक आप लगाते हो, मॉइस्चराइजर करना मत भूलिएगा। मॉइस्चराइजर लगाने से ना स्किन पे वैसे भी ऑब्जर्व हो जाता है, ड्राइनेस जैसा कुछ नहीं होता, स्किन ग्लो दिखता है और हेल्दी भी दिखता है। आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट प्लीज़ करिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो पे एक न्यू रेमेडी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।